हेलो गाइस, इस वक्त जो मैं वीडियो लेके आया हूँ थोड़ी सी अफसरदा है। बेसिकली शिंजो आबे जी की जब हत्या हुई थी जापान में, तो मोदी जी को बहुत बुरा लगा था और बहुत फील हुआ था। अभी मोदी जी जो है अचानक जापान के अंदर जा चुके हैं और लैंड कर चुके हैं जापान में अचानक, और किसी तरह से मिलने के लिए, मीटिंग करने के लिए। वीडियो का अनुमान भी है, पीएम मोदी लैंडेड इन जापान एंड होल्ड मीटिंग विद किशिदा। ये एनडी प्लस न्यूज़ का लिंक है, आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलें पहले वीडियो देखते हैं, उसके बाद उसके ऊपर रिएक्ट करते हैं। क्योंकि पिछली बार जब मैं आया था परेशान से, बहुत लंबी बातें, कभी सोचा ही नहीं था कि जाने लगा। नमस्कार, सलाम, प्रणाम और सुबह की इंडी प्लस न्यूज देख रहे सभी दर्शकों को प्यार भरी सत श्री अकाल। दोस्तों, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जापान के दौरे पर पहुंच गए हैं। कल देर रात भारत के प्रधानमंत्री भारत से एक उड़ान भरते हैं जापान के लिए, और सुबह जापान लैंड करते हैं, और लैंड करने की तस्वीरें आपके सामने चल रही हैं। और जैसे ही वो लैंड करते हैं, तत्काल ही अपने वो कपड़े बदलकर सीधा जापान के प्राइम मिनिस्टर से मिलने के लिए पहुंच जाते हैं। जापान के प्राइम मिनिस्टर से मिलते हैं, हाथ मिलाते हैं, बैठते हैं, और उसके बाद वो अपना एक शौक व्यक्त करते हैं जापान के जो पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे, जिनकी जापान के अंदर ही गोली मारकर उनकी हत्या कर दी गई थी, उनकी हत्या पर एक शोक जताया। उन्होंने कहा, भारत के प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछली बार जब मैं आया था तो उनसे मीटिंग हुई थी और हमने अच्छी खासी बातें की थी, लेकिन कभी सोचा नहीं था कि ये खबर सुनने को मिलेगी। जापान के जो पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे थे, उन्होंने भारत के साथ रिश्तों को बहुत गहरा किया, और भारत और जापान जितने करीब आए थे, उस करीबी के आने के कारण विश्व पटल पर भी भारत की एक अलग इमेज बनाने में जापान के प्रधानमंत्री ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। दोस्तों, जापान और अमेरिका बहुत ही सहयोगी कंट्रीज हैं, और भारत और अमेरिका एक साथ आई हैं तो उसको पीछे जापान की लॉबी भी काम करती थी। यही कारण है कि जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे ने भारत को लिए जो किया है, यही कारण है कि भारत के प्रधानमंत्री ने समय में से समय निकालकर स्पेशल जापान के अंदर इस स्टेट फंडल में जाने का एक जो एक समय निकाला है। अब क्या हो रहा है, बड़े से हॉल के अंदर स्टेट फंडल की सेरेमनी की जा रही है, और सभी दुनिया के लीडर यहाँ पर आकर शिंजो आबे को आखिरी विदाई दे रहे हैं। दोस्तों, ये एक हॉल के अंदर अमेरिका की जो वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस हैं, वो भी पहुंची हुई हैं, ब्रिटेन के जो फॉरेन सेक्रेटरी हैं, वो भी पहुंचे हैं, और ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर भी इस मौके पर मौजूद हैं। इसके अलावा दोस्तों, ये सारी सेरेमनी तो हो रही है, दुनिया भर से लीडर आए हैं, लेकिन जापान के अंदर ही शिंजो आबे के विरोध करने वाला जो गुट है, वो भी सड़कों पर प्रोटेस्ट कर रहा है, और तस्वीरें आपके सामने हैं। जापान के जो शिंजो आबे थे, उन्होंने कई ऐसे मुद्दे थे जिनके ऊपर काम नहीं किया, और जनता उस मुद्दों को लेकर नाराज थी, क्योंकि जापान के शिंजो आबे न्यूक्लियर पावर बनाने के लिए जापान की एक ओपोजिशन करते थे। वुमन एम्पावरमेंट के ऊपर उन्होंने काम नहीं किया, और इसी के साथ डिसेबिलिटी राइट और कई कई ऐसी लेबर यूनियन को लेकर भी एक जो गुस्सा था वो लोगों को एक था, और विरोध कर रहे लोगों का कहना है कि जिस लीडर ने इस मुद्दों पर काम नहीं किया, और उसके लिए आज हम राज्य का शोक रख रहे हैं, और $12 मिलियन की ये स्टेट फंडल की एक भारी भरकम सेरेमनी हो रही है, ये सेरेमनी नहीं होनी चाहिए थी। ये स्टेट फंडल राष्ट्रीय शोक उसे दिया जाना चाहिए था जिसने देश के अलग अलग मुद्दों पर काम किया हो, तो इसको लेकर जापान के लोग यहाँ पर निकले हैं। हालांकि जापान के प्राइम मिनिस्टर की जो मौत है, एक समय से पहले हो गई, जिस कारण से राष्ट्रीय शोक दिया गया है, और जापान के प्रधानमंत्री की छवि दुनिया के अंदर बहुत अच्छी थी, जिस कारण से ये एक जो शोक है रखा गया है, और दुनिया भर से जो लीडर पहुंच एक यहाँ पर एक मिडिल ईस्ट के शेखों से भी यहाँ पर शेख जो है पहुंचे हैं, दुनिया भर से कोई ना कोई लीडर यहाँ पर जरूर पहुंचा है। लेकिन कहने को कितना मर्जी कुछ कहिए जाइए कि कोई भी लीडर है, चाहे वो भारत के प्रधानमंत्री ही क्यों ना हो, वो 100% रिजल्ट नहीं दे सकते हैं। कोई ना कोई ऐसी बात रह जाती है कि जो एक विरोध करने वाला गुट है वो आ ही जाता है। लेकिन शिंजो आबे की जो भारत के अंदर छवि थी, एक बहुत ही पावरफुल और एक शांति प्रिय लीडर की थी, और बुलेट ट्रेन का जो सौदा था शिंजो आबे ने ही भारत के साथ किया था, और बेसिकली भारत और जापान के रिश्ते के कारण ही भारत क्वाड के अंदर भी शामिल हुआ, और बेसिकली दुनिया भर के मंच पर एक जापान ने भारत की जो लॉबी की थी, उस कारण से भारत आज आगे बढ़ता जा रहा है। खैर, भारत के प्रधानमंत्री स्पेशल समय में से समय निकालकर जो पहुंचे हैं, क्या कहना चाहोगे भारत के प्रधानमंत्री के यहाँ पर पहुंचने और शिंजो आबे के ऊपर, कमेंट में बताइएगा। बेसिकली ये कि आप देखें, जब कोई आदमी मर जाता है ना, तो उसके बाद जो है उससे जितनी भी शिकवे शिकायतें होते हैं वो दूर हो जाते हैं, और आदमी इसको सोचने भूल जाता है। हमारे जैसे थर्ड वर्ल्ड कंट्री के जो होते हैं पॉलिटिशियंस, जैसे कि जब वो रूल करते हैं
तो वो बहुत बुरा काम करते हैं, और जब वो चले जाते हैं, अगर वो इस दुनिया से चले भी जाते हैं, तो लोग जो हैं वो फिर उनकी शिकायतें करना बंद कर देते हैं और फिर उनके मुताबिक कुछ बुरा कहते नहीं हैं। यहाँ पे कुछ थोड़ा सा अजीब देखने को मुझे मिला, जबकि मोदी जी यहाँ से इंडिया जा रहे हैं और उनसे मिल रहे हैं, सब कुछ सारा कुछ, यानी कि फ़ौरन ताल्लुक उनके बहुत अच्छे हैं। इवन बुलेट ट्रेन के अंदर भी उन्होंने काफ़ी अच्छा किरदार अदा किया अपना, और लेकिन वहाँ की आवाम को उनसे शिकायतें हैं, और बड़ी हैरत हुई इस बात पर कि मरने के बाद भी जो है वो कह रहे हैं कि नहीं, इनको आप सपोर्ट नहीं करें, क्यों लिए जा रहे हैं, कि इन्होंने हमारा काम नहीं किया या हमारे उस पर पूरे नहीं उतरे। ये बात कुछ ज़रा अजीब लगी मुझे, बाकी सब तो सही है। चलो खैर, इंडस प्लस न्यूज़, इंडी प्लस न्यूज़ का ये लिंक है, इसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल को भी लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर।